Hi, I'm Archana Puran Singh and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Bargain three in the house! In the house! Yes! Yes, man! Hello, Tiger. Hello, Shraddha. Hello. Hello, Riteish. Hello, sir. Hello, Ahmed, sir. Hello. Hello, 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 hello. My brother's hello, but I'm going to funk you now, Dari. I'm going to come to my अच्छा वाला फालतू बात कर दी लेकिन आप लोग इधर सर कम फॉर द प्रमोशन ऑफ बागी थ्री या इत्तफाक का बात देखिए परसों ही मेरा गर्लफ्रेंड मेरा घर से बागी थी बागी थी अब देख रहे हाँ देख रहे आपको फोन का प्रमोशन कर लिए मैं अपना गर्लफ्रेंड को बगा दिया पर रितेश जी सर सो आई एम यू फैट और योर्स मतलब ये मेरा नुशकसी भी है कि आपसे आज मुकालात हुआ नुशकसी भी खुश नसीबी तो मैं मुकालात भी गलत बोला वो भी सुधारो मेरा शब्दावली सुधारने का ठेका लिए है तो पूरा सुधारो ब्रो आधा क्यों सुधार रहे मैं तो सही में बोल रहे सर आप ये आदमी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे ये दो तीन घंटा लगाएगा आपका ऐसा प्रमोशन करने में मेरे पे छोड़ो मैं दो तीन मिनट में पूरा प्रमोशन कर देंगे फिर आप भी फ्री मैं भी फ्री बागी थ्री बागी थ्री बागी थ्री बागी थ्री बागी थ्री बागी थ्री और मैंने प्यार प्यार में सलमान के साथ कौन बागी थ्री Similar, Bagi Street. Bagi Street. क्या हो गए? क्या हो गए? आपके क्यों बोचा के निकल रहे हैं? बोचा के? अच्छा, हो गया तेरा? नहीं, picture अभी बागी है मेरे तो. क्या बात है? क्या बात है? बहुत अच्छा अच्छा. वैसे, Riteish sir, आपसे एक बात जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक था. There was this film आपके आए थे जिसमें आप बोलते हैं कि मेरा ले बारी है मेरा हाथ बारी है टांग बारी है ये बारी है वो बारी है तो अभी आप सीरिया गए छोटा सा लफड़ा हुए तुरंत भाई को फोन क्यों किया आपका बारी वाला लाइक किधर गए दो जवाब उधर बारी वाला लाइक हल्का हो गए क्योंकि मेरा भाई ले भारी है मानना पड़ेगा लेकिन टाइगर सर क्या लग रहे हैं आप फिल्म में मैं ट्रेलर देखे ओ क्वाड लेकिन क्वाड इट्स रियली कूल या बहुत अच्छी लग रही है मैं खाली पूछ रहे थे कि मैं अभी आपका पहला फिल्म आई थी सर वॉर नाम के उसमें आप वो राकेश रोशन जी के बेटे के साथ लड़ाई कर रहे हैं सीधा ऋतिक रोशन की नहीं बता बागी टू में आप वो राज बब्बर जी के बेटे के साथ लड़ाई कर रहे हैं ऐसा सबके साथ लड़ाई करेगे ना सर तो ऐसा इंडस्ट्री में व्यवहार खराब हो गया इतना लड़ाई सर अच्छी नहीं है मैं आपके लिए कुछ लाए ये मोती है सर ये मोती है सर अपना बायां हाथ का दायां उंगली में पहनिए अच्छा। इससे आपका गुस्सा कंट्रोल में रहेगा वही ये फिल्म में डिमांड होती है इसलिए लड़ते हैं वो यू थिंक आई डोंट नो दैट Of course I know, bro. मेरे को पता है. मैं सर आपको देखे हैं. इतना 15 लोग ऐसा मशीन गन लेके ठो 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 ऐसा गोली चला रहे हैं. ये अपना शर्ट उतार के बेयर चेस्ट ऐसा चल के उनके सामने जा रहे हैं. सर मैं तो देख के डर गए थे. मतलब कि इतना धूप में ऐसा बेयर चेस्ट आप जा रहे हैं किधर आपका बॉडी टैन ना हो जाए. मतलब गोली का डर नहीं था. गोली का डर नहीं है तेरे को बॉडी टैन हो जाने का डर है गोली तो ब्रो गोली उनको कैसे लग सकती है क्यों अरे सर डायरेक्टर साहब को सरकार को भी तो जवाब देने हैं सरकार से पंगा थोड़ी लेंगे इसमें सरकार कहां से आ गई सरकार बोला आई सेव द टाइगर ब्रो बाय चांस टाइगर को गोली लग गए तो इनका तो डायरेक्शन का लाइसेंस जब्त हो जाएगा एक नहीं इतना रिस्क बड़ा कोई नहीं लेते हैं और तुम भी यार कैसे बात करते हैं एकदम वो अपना क्या बोलते हैं उसको वो कीचड़ में क्या खिलता है कमल हाँ कमल का बात करता है यार यार
What's the Shraddha ji? She can't stop laughing. Ab bahut pyari lag rahe hai. Thank you. Bahut hi khushboorat lag rahe hai. Main aapse ek iltija karenge. Aapke pitaji hai Shakti Kapoor. Aap unke saath na bana ke rakho. Kyun? Kyunki pitaji sirf ghar mein hai. Bahar wo crime master go go hai. और मेरे को बताइए ऐसा घर में कभी पूरा परिवार मिलके आप लोग खेलते हैं तो आप लोग खो खो खेलते हैं कि गो गो खेलते हैं ये बहुत ऐसे वाले थे मैं आपके पिताजी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं ये क्या उनको दीजिए नहीं मैं बोल रहे हैं कि वो सबका आंख निकाल के गोटी क्यों खेलते हैं ये है ना इससे खेलो Thank you. But the DJ, may I call up for Salah de Sakti? Salah. It's like advice. Apna idhar itna bar itna film karte hai, aap idhar aate rehte hai, to aate jaate itna time lagte hai aane jaane mein. I mean, obviously, gaadi, petrol, ye sab itna kharcha bhi hote hai. To mera khali salah hai, aap mere se shaadi karke idhar settle kyun na ho jaate. Oye, ye kya bol raha hai? Bro, मैं डायरेक्ट ऐसा शादी का बात करेंगे तो ना बोल देंगे तुम्हें थोड़ा फायदा दिखाए कुछ फायदा होगी तो शायद मान भी जाए you never know, you know? लेकिन मैं खाली पूछ रहे कि अगर शादी का बात निकले तो आपके तरफ से हाँ है कि ना है ना है साथ में थप्पड़ ना है साथ में थप्पड़ मैं जीत गए कैसे मैं शर्त जीत गए क्या शर्त सर मैं अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाए थे कि मैं अगर शादी का प्रपोज करेंगे तो ये ना बोलेंगे कि हाँ बोलेंगे ये ना बोले तो मैं शर्त जीत गए मैं बोले तो ये ना ही बोलेंगे लेकिन सबसे इत्तेफाक का बात देखिए मैं जो दोस्त लोग के साथ शर्त लगाए थे वो लोग भी जीत गए क्योंकि वो लोग भी ना ही बोले थे ये बताओ कैसे शर्त थी सब लोग जीत गए कोई हारे ही नहीं उसमें क्या बागी रहा मैं एक्चुअली आप इतना सारा फिल्म बनाते हैं सर एक मिनट को लेके बनाओ ना फिल्म इनके लिए बागी बनाई तेरे लिए हाथी बनाएंगे नहीं इनको मैंने लिए बागी थ्री में है अच्छा आप लोगों ने देखा नहीं ना किधर नहीं देखा आपने मैं भी नहीं वो श्रद्धा जिस चीज के आगे भाग रही थी टैंक हाँ हाँ उसके वो भी था निकाल के दिखा गोला निकाल इसमें से सर आप मेरे को लेके हाथी बनाओ टैंक बनाओ मेरे को सब चलेगे बनाओ और आपका ये फिल्म में कैरेक्टर में घुसने के लिए मैं अपने आप को वो भी कर लेंगे वो नवंबर दिसंबर में कौन सा मौसम आते हैं जाड़े का जाड़ा जाड़ा मैं अपने आप को जाड़ा भी कर लेंगे आपके फिल्म के कैरेक्टर के लिए ये नहीं कि टाइगर से कुछ सीखे फिट हो जा थोड़ा नो ब्रो नो सर मैं फ्रेंकली बोल रही है आप चार पाँच घंटा जो मेहनत करते हैं लाइक ट्रेनिंग करते हैं एक्सरसाइज करते हैं जिम जाते हैं इतना नहीं करने चाहिए क्यों नहीं सर क्या होते हैं मैं फ्रेंकली बोल रही है आप जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं इतना टाइम तक तो आपका देखो पीछे घर में क्या हुए बागी में आपका गर्लफ्रेंड किडनैप हो गए बागी टू में आपका एक्स गर्लफ्रेंड का बच्ची किडनैप हो गए बागी थ्री में आपका भाई किडनैप घर में रहो ना ब्रो सर घर में रहेंगे तो कोई किडनैप नहीं होएंगे सही बात है nice. आप घर से बाहर रहते हैं तो ये सब हो रहे हैं टेंशन मत लो हम दोनों बॉडी बाद में भी बना लेंगे ब्रो अच्छा तो कुछ भी बोले जा रहे ट्रेलर देखा तूने फिल्म का मैं वो वो मैन क्या मेरे तो हक्के बक्के बहुत छक्के निकल गए सर आई एम सॉरी मेरे को एक फोन आया मेरे भतीजी का फोन है भतीजी का एक मिनट ये बेबी हाँ क्या हो गया बाबा हाँ टाइगर सर इधर ही है पूछनी है हाँ मैं पूछ एक मिनट सर मेरा भतीजी है okay. वो एग्जाम दे रहे हैं okay. तो उसको एग्जाम में वर्ल्ड मैप बना रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि सीरिया अभी भी है सर सीरिया है कि आप निकाल दिए उनको बोलो फिलहाल है आप एग्जाम में लिख दो कि ये जवाब जानने के लिए देखो बागी थ्री देखिए सर बागी थ्री अभी सब टीचर भी दे
एक और फोन में बहुत बिजी आदमी है, मैं बहुत फेमस आदमी है ना, तो एक सिंगर है दुआ लीपा, यू नो दुआ लीपा, वो मेरे को फोन कर रहे हैं, मैं बात करेंगे। आज दुआ लीपा क्या हो गए, क्या तुम्हारे घर में बहुत दुआ दुआ हो रहे हैं? वो तो तुम्हारे घर में लीपा पोती का काम चालू है तो इसके लिए थोड़ा दुआ दुआ तो हो गए। और क्या वो लिप जॉब की वजह से तुम्हारा लिप लीपा होगी? तो एक काम, मैं ऊपर वाले से दुआ मांगेंगे कि तुम्हारा लिप लिपा से वापस लिप हो जाए। तुम टेंशन मत लो, ओके? दुआ में याद रखना, मैं फोन काट रही है। मेरे को अभी थोड़ा अर्जेंटली जाने होंगे। क्या है कि मेरा गर्लफ्रेंड का शादी है तो उधर सबको फ्री खाना बांट रहे हैं वो लोग, तो मैं अभी जाएंगे। ठीक है सर, नाइस टू सी यू, ऑलराइट, नाइस टू सी यू ब्रो, थैंक यू, मैं अभी जाएंगे, ऑलराइट, थैंक यू, आई विल सी यू, टेक केयर ब्रो, यो। अच्छा टाइगर, श्रद्धा ने बागी थ्री में एक नया गाना जो है रिक्रिएट किया है, जो जीतू सर का और श्रीदेवी जी का बड़ा फेमस गाना था, बंकस। टाइगर, आपके डांस मूव्स हम सब ने देखे हैं फिल्मों में, बड़ा फास्ट फास्ट डांस करते हैं आप। गाना 3 मिनट का होता है ना, 2.5 मिनट में करके निकल जाते हैं। आपको मुश्किल नहीं लगा कि स्लो स्लो स्टेप्स करने? ये एक्चुअली मेरा स्टाइल के बाहर था एक्चुअली, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे, और मैंने बस अपने आप को हवाले कर दिया अहमद सर को और गणेश मास्टर जी को, और जो रिजल्ट आया आप सबने शायद देखा होगा। कोशिश तो की मैंने। तो आपने खुद क्यों नहीं किया वो डायरेक्ट गाना, गणेश सर को क्यों दिया? ओ, गणेश एक मेरा लकी मैस्कॉट है। ऐसा करना जरूरी था? टाइगर का जो स्टाइल था उससे टाइगर को ना डिस्कम्फर्ट में डालना था। अच्छा। बट ही डिड इट सो कम्फर्टेबली दैट जेन्युइनली, जो आपने कहा ना गाना था 3 दिन का, एक्चुअली 2.5 दिन में हो गया था। राइट। वाओ। एक और एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें एक रोप को पकड़ के टाइगर जो है, अब सीधा तो कोई भी भाग लेता है, ये ऐसे भाग रहे हैं, मतलब पैर ऐसे कर दो और ऐसे भाग रहे हैं, वो भी मुझे अहमद सर ने बताया कि वो 1 घंटे में उन्होंने पूरा सीक्वेंस जो है फिनिश कर करना पड़ा, बिकॉज जेन्युइनली वी हैड अबाउट 500-600 कार्स स्टैक्ड अप एंड द वीएफएक्स हमारी फिल्म में, मैं ये आई विल से इट, यू कैन, एवरीबॉडी कैन कोट मी, देयर इज अबाउट 85% रियल एक्शन, 15% का जस्ट ट्वीकिंग अ वीएफएक्स की। क्या बात है। तो जो रनिंग था हमने वीएफएक्स में गाड़ी नहीं, इट्स ऑल रियल, एंड मेकिंग में आप लोग देखोगे, एंड टाइगर को ऐसा भगाना था हॉरिजॉन्टली, ही हेल्ड वन रोप एंड ही रैन अप। व्हाई वी फिनिश्ड इन 1 आवर, बिकॉज टाइगर, आई कैन से इट, या बिल्कुल सर, इनका पूरा ब्लड हेड तक जा चुका था। अच्छा। बिकॉज ऑफ दैट पॉस्चर, एंड कई कांच टूटे थे गाड़ियों के, सो आई वॉज स्केर्ड, एंड इन 1 आवर आई सेड टाइगर वी गॉट इट इनफ, बट ही वॉज सेइंग सर कैन वी ट्राई वन मोर, कैन वी ट्राई वन मोर, बट होल डे ही हैड अ हेडेक, because the blood was right up till his brains. So please guys, Taigi, I would like to stand up and clap for you. Love you bro, super. Thank you so much. Hi, how how कैसे आप लोग? ठीक है, मजे में, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए हैं, ए लड़के लोग आओ किधर है जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, नो टाइम, कम कम आओ, कल ए मेरा कनो ना ये इधर है अहमद सर, देखे आपने भांडूप का रेमो ए सपना, हाँ ये सब क्या कर रही है? पेड़ लगा रही, दादा बोले थे ना पेड़ लगाने का, पेड़ लगाने का, हाँ तो देखो हमने पेड़ लगाने की प्रथा चालू रखी है, दादा को बोल देना जाके। पक्का पक्का। ये बंदे तेरे जाएंगे कि रुकेंगे? सारी बात जाना रे, हट रे इधर का, ऐसे क्या खड़ा इधर, चल बड़ा है, वेरी नाइस, आलो मैं वेरी नाइस, दादा बोलते रहते पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, दादा के खुद के घर में इतना खूबसूरत पेड़ है, मैं तो चाहती है बस इस पेड़ को एक झाड़ी मिल जाए और उसकी टहनियाँ पीली हो जाएं और दादा की गोद में 3-4 फल गिरे जिनको देखकर दादा भी बोले बड़ो मेरा बच्चा, बड़ो मेरा बच्चा, तो ऐसा बोलेंगे कितना अच्छा लगेगा। अरे 1 2 3 5 1 2 3 5 बोला बागी 3 है, 5 लोग आए रे इधर, तो मैं 3 लोग पे बात बना के लाई थी, अभी क्या बोलेंगे,
हमारे हिंदुस्तान में ऐसे रहते हैं सर, शादी का कार्ड पे दो लोग का नाम रहता है, पूरी फैमिली जाती फिर। Hi, how are you? I'm good, how are you? Ankita Lokhande. जी हाँ सपना जी. मैं सपना सैटरडे संडे. सपना मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ genuinely. मेरी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं. Seriously. Thank you very nice. Thank you very nice. I see TV में you come before no? Yeah, I see पहले आप आते हैं जब. तब serial छोड़ के फिल्मों में आए ना. मेरा छावा है नाला सुपारा में. वो भी serial छोड़ के फिल्मों में आना चाहता है. लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं. क्यों, किस वजह से? उसको सीरियल ही नहीं मिल रहे. But I like very talented, you know. She very nice, you. मैं सच्ची, मैं पहले से जानते हम लोग कहाँ है साथ में ना. But मैं सच्ची बोलते, मैं दिल से एक बात बोले के सच्ची मैं मतलब टीवी में आना, नाम कमाना, उसके बाद फिल्मों में आके भी नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं रहती. ये सब कैसे कर लिया मैंने, कमा लूँगा. Oh my God! Thank you. नहीं नहीं लेकिन अंकिता मस्त काम कर रही है. अंकिता के लिए जोरदार तालियां. तब आज नहीं. Hi, how are you? Very well. You director very nice. Thank you. आपका picture है, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा. लेकिन थोड़ा ऐसा दुख भी है अंदर से. क्यों? एक ही building में रहते आज तक काम नहीं दिया रे मेरे को. अच्छा सर, मेरे को आपको पूछने का था, यू कोरियोग्राफर फॉर रंगीला पिक्चर भी आपने खेला था ना? जी जी. हाँ सर, उसमें वो गाना था तनहा तनहा. हाँ जी. उसमें सर जग्गू दादा को आपने ऐसा फ्रेंची पहनाया था सर, छोटा शॉर्ट पहन के, इसमें इनका शर्ट उतरवाया. आप चाहते क्या है सर? नहीं नहीं, आई मस्ट सर, वन ऑफ बेस्ट डायरेक्टर है, इनके लिए जोरदार ताली. वेरी नाइस सर. इतनी तारीफ की आपने ना. हाँ. तो नेक्स्ट फिल्म में आप भी शर्ट उतारेंगे एंड वी विल टेक यू इन आवर फिल्म. सच्ची बोलते ऐसा बोल के जाते हैं, बाद में मिलते नहीं. लेकिन मैं बहुत शाइनी है. एक बार रोहित शेट्टी ने बोला था तेरे को पिक्चर में लूंगा. मैं उनके घर में रोज जाके बैठ जाती थी. मेरे को बोल बच्चन में लिए फिर. मैं आप तो सेम बिल्डिंग में रोज बैठेगी दरवाजे के बाहर. हाय यू. अच्छा मेरे को आपको पूछने का था. हाँ, आप बागी वन में आप अपने गर्लफ्रेंड को इंसाफ दिलाए जी, फिर बागी टू में आप अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाए, फिर बागी थ्री में आप अपने भाई को इंसाफ दिला रही है, एक और बागी बना के प्लीज सिद्धू जी को इंसाफ दिलाओ ना. ट्रेलर में मैं आपको देखी, आप इनका गले में ऐसे रुमाल बनते हैं ना. हाँ. इनको कुछ नहीं होते. हाँ, मेरा छावा है ना मुकेश, उसके गले में रुमाल बांधा ना, झाग निकलने लगा उसके. हाँ सच्ची. उसके मुंह से ऐसा झाग निकला, मैं झाग उठा के फिर मुंह में डाली उसके. फिर उसके जान में झाग आई. जान में जान आई. हाँ, वो झाग रहते ना, झागी आती है. बहुत ऐसा पतला हो गया मालूम है, सुड़केला हो गया एकदम. इतना पतला हो गया ना मुकेश. हाँ. वो जाके मुर्गी का अंडा भी ले आते हैं. वो तो सब ले आते हैं. नहीं, उसके अंदर जाके लाते हैं. कैसे है मेरे मेरे को क्या मालूम उसका ट्रिक रहेगा क्या. हंसते आप लोग. और रितेश. हेलो. कैसे घर में सब? टिकटॉक है, ठीक ठाक है सब? अच्छा. मैं देखते हैं वीडियो, सब इनका ना आता है, ऐसा सब करते हैं डांस वीनस, ऐसा करते हैं. मैं बहुत लाइक करती है वीडियो. नहीं इनको. आई रियली लाइक यू. हाँ, अभी देखती है, सच्ची बोलती है मैं. अभी क्या सब लोग हैं तो शर्म आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा जिनीलिया भाभी के साथ आपका झगड़ा हो जाए कभी, आप कभी भी अकेलापन फील कर रहे हो, आधी रात को भी आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं. मैं सीधा जिनीलिया भाभी को फ़ोन करके बोलेगी आप अकेला फील कर रहे हो. मैं सच्ची बोलूँ. ये क्या है, बहुत बारीकी वाला पंच था, ये लोग समझते ही नहीं है. बहुत अच्छा लगा. इस पिक्चर में पुलिस वाले बने ना आप जी. तो मेरा एक सवाल था सर, ये पुलिस वाले जो बर्थडे वर्थडे बनाते अपने घर पे, तो ये लोग उसमें केक काटते कि उसमें भी चलान काटते?
ए सपना, तू क्या फालतू बातें कर रही है? नहीं, मैं चेक कर रही थी कि लोग मेरे जोक पे हंसते कि फालतू बात पे भी हंसते क्योंकि एक रेपो बना रहते हैं ना, तो कोई भी बात पे हंसते हैं लेकिन रेपो बने ला अच्छा है। बाकी मैं पिक्चर में भी देखी आपको, जब भी मुसीबत आती है आप रोनी रोनी चिल्लाते। हम लोग कभी ऐसे, हम लोग कुछ मुसीबत आती है ना, हम लोग सोनी सोनी चिल्लाते। और मेरा भाई है ना कृष्णा, उसके दो बच्चे छोटे छोटे, वो बाथरूम में जाते हैं, वो धोनी धोनी चिल्लाते। Hi, how are you? Very nice, I see you. ये एक साल से अपना बिजली का बिल नहीं भर पाई श्रद्धा, मालूम है? क्यों? ये जब भी बिल भरने जाती है काउंटर पे बोलते थे वो स्त्री का लाना। ऐसे रहते ऐसा हम लोग के पास स्त्री के और भी जोक्स है, मैं सब बोलूंगी, ईयर एंडिंग है ना, हमको खत्म करना रहता है। टैक्स पड़ता है नहीं तो। अच्छा मेरे को एक और बात पूछने की थी श्रद्धा, आपने बागी वन की थी तो उसके बाद लगता बहुत भागी ना आप, इतना भागी इतना भागी इतना भागी के बागी टू की नहीं, बागी थ्री में आ गई। खैर आई आस्क यू क्वेश्चन वन सर, आप अहमद सर कोरियोग्राफर थे फिर डायरेक्टर बन गए, फिर फारा खान कोरियोग्राफर थे वो डायरेक्टर बन गए, गणेश आचार्य कोरियोग्राफर थे वो डायरेक्टर बन गए, तो अगर ऐसा कोई डायरेक्टर रोहित शेट्टी कोरियोग्राफर बन गया तो तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को नहीं, आर्टिस्ट लोग को कि हवा में गाड़ी में नाचना पड़ेगा, ऐसा कौन नाचेगा? कैसे ये वो आदमी सब ऐसा गंदा विंदा लिख के देते टोपी में बैठे ना। सर आई हैव स्मॉल ब्यूटी पार्लर, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो आप लोगों ने एक मस्त गाना भी नाचे, हम लोग हिट हो गया आपका गाना, रिमिक्स के लेना आपने वो, हाँ तो हमारे पास रिमिक्स मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतार के हम तेल लगाते हाँ। फिर मेरी एक दोस्त है रिमी, अच्छा मैं उसको बुलाती है, अच्छा तो रिमी जैसी आती है हाँ। और मसाज चालू करने वाली होती है उसका एक्स आ जाता है पीछे से, तो रिमी और एक्स मिलके मसाज करते थे, रिमिक्स मसाज। फिर हमारे पास एक मसाज है नया, चीटी हाथी मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को हम लेटे थे और तेल की जगह उसका पीछे हम लोग हनी लगाते, फिर अब हनी लगा के छोड़ देते, फिर थोड़ा टाइम में चीटी वीटी आने लगती। कस्टमर को ऐसा लगता कुछ तो है ले, कुछ तो है, वो मेरे को बुलाते, बोले इधर है, बोले मेरे पीठ पे चीटी थी, मैं बोलती हाथी, हाथी हाथी, बोले चीटी थी हाथी, ऐसा चीटी हाथी मसाज। क्या बात। फिर आपका एक और पिक्चर आया था अपना सपना मनी मनी जी, तो वो मसाज है हम लोग के पास। उसमें कुछ नहीं, उसमें एक सपना रहती है जो पूरे साल मनी मनी करती रहती है, एक करोड़ दे एक करोड़, कोई नहीं देता है। तो हम लोग ये मसाज बंद कर दिया हम लोग हाँ। फिर हम नया मसाज चालू किए, एक मसाज है मेरे पास, इसमें क्या होता है मसाज। अच्छा हाँ। इसमें क्या होता है? हाँ वही है, इसमें क्या होता है मसाज। अरे नहीं, इसमें होता क्या है? होता क्या नहीं, इसमें क्या होता है मसाज, तो वही बताना, इसमें क्या होता है वो बता नहीं, इसमें क्या होता है मसाज। अरे जा रहे खुद कंफ्यूज है, क्या बताएगी मैं, जाने दे। अच्छा फिर हमारे पास एक और मसाज है, बागी मसाज। इसमें क्या होता है? हम लोग मसाज नहीं करते है पहली बात, अच्छा ठीक है, सीनियर लोग रहते, इसमें कस्टमर को हम लेटे थे फिर हम बा को बुलाते, सीरियल से बा आती है और वो फिर घी लगा मसाज करती है, बागी मसाज। अब तू सोच रहा रहेगा ये मसाज तो मैं पहले भी बोल चुकी है हाँ। तो पहले भी तो आएगी थी ना बागी। तो क्या हुआ, और ये मसाज मैं कम से कम 10 बार बोलेगी क्योंकि बागी 10 भी आएगी, और ये इस डायरेक्टर और ये लोग इधर आए। अब मेरा टाइम जाने का है, मैं चलती है क्योंकि बहुत लोग आते रहते, आपके वो कोरियोग्राफर है ना वो कौन है, गणेश हेगड़े जी हाँ, वो भी आए थे हमारे पास पिछली बार, उनका हमने प्रेशर से मैसेज किया ना तो उनका हिगड़े भर आ गए।
मेरे को इमीडिएट आई नहीं ऐसी है बाय आए कर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़